हे गाइस माय नेम इज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा और आज हम बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में इससे पहले हमने जो एरे देखे थे वो सारे सारे आपके वन डायमेंशनल एरे थे ठीक है वन डायमेंशनल एरे मतलब आपके जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे सारे एक लाइन से स्टोर थे ठीक है सपोज आपको कार्ड uh, स्टोर करने की कितनी कार्स हैं तो आप एक लाइन से सारी सारी कार्ड स्टोर कर रहे आ रहे हो ठीक है आपको स्टोर करना है एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के नंबर कितने आए हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर तो आप उनको एक लाइन से स्टोर कर जा रहे हो बट कई बार ऐसा होता है कि आपको अलग अलग लाइन में स्टोर करना पड़ता है मतलब सपोज आपको स्टोर करना है कि एक क्लास के अंदर बच्चों के मैथ में कितने नंबर है उसके बाद फिजिक्स में कितने नंबर फिर इंग्लिश में कितने नंबर है ठीक है तो आप सबको एक ही रो में स्टोर नहीं कर सकते ठीक है आपको अलग अलग रो चाहिए आपने एमएस एक्सएल देखा होगा एमएस एक्सएल उसके अंदर आपकी रोज और कॉलम होती है ठीक है वही रोज और कॉलम जो होती है वो आपके एक तरीके से टू डायमेंशनल एरे होते हैं ठीक है आपके वन डायमेंशनल एरे को मिला के काफी सारे वन डायमेंशनल एरे को अगर आप मिला देते हो ज्वाइन कर देते हो आपका टू डायमेंशनल एरे बनता है जिस तरीके से आपके काफी सारे एलिमेंट्स को मिला देने के बाद आपका वन डायमेंशनल एरे बनता है उसी तरीके से काफी सारे वन डायमेंशनल एरे को मिला देते हैं तो आपका टू डायमेंशनल एरे बनता है और उसी तरीके से आपका अगर आप टू डायमेंशनल एरे काफी सारे टू डायमेंशनल एरेज को अगर आप मिला देते हो तो आपका थ्री डायमेंशनल एरे बनता है इसलिए ऐसे ऐसे करते करते एन डायमेंशनल एरे बनते हैं आपके ठीक है आप बेसिकली अगर हो एक लोअर डायमेंशन से ऊपर आ रहे हो और आप एक अपर डायमेंशन बना रहे हो ठीक है जिस तरीके से आपका एक पॉइंट होता है इनिशियली आप मल्टीपल पॉइंट्स को मिला देते हो तो कहते हैं ना कि मल्टीपल पॉइंट्स को मिला देने से एक लाइन बन जाती है तो ये अगर आपका वन जो पॉइंट्स थे आपके अगर वो वन डायमेंशनल थे तो आपकी जो लाइन हो गई वो आपकी टू डायमेंशनल होगी इसी तरीके से अगर कहते हैं कि अगर हम टू इन लाइन्स को मिलाते हैं काफ़ी सारी लाइन्स को मिलाते हैं तो एक प्लेन बनता है ठीक है एक प्लेन बनता है तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे भी है अगर आप काफी सारे एलिमेंट्स को मिला देते हो एक साथ रखते हो काफी सारे एलिमेंट्स को तो आपका एरे बनता है और काफी सारे वन डायमेंशनल एरेज को मिला देते हो तो आपका टू डायमेंशनल एरे बनता है तो अगर अब मैं बोलूँ आपको कि क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स हैं उनको स्टोर करो तो उनको स्टोर करने के लिए अब आप आपको अलग अलग एरे नहीं बनाने आप क्या करोगे फिजिक्स के मार्क्स अलग रो में स्टोर कर दोगे केमिस्ट्री के मार्क्स अलग रो में स्टोर कर दोगे मैथ्स के मार्क्स अलग रो में स्टोर कर दोगे ठीक है इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो मल्टी डायमेंशनल लैर जो होते हैं वो बेसिकली इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने काम में आते हैं जहाँ पर आपको काफी सारी अलग अलग डिफरेंट रोज और कॉलम्स के साथ खेलना होता है ठीक है सपोज uh, आपको एक रियल वर्ल्ड एक्जाम्पल देता हूँ जैसे कि आपकी जो इमेजेस होती हैं ठीक है जो आपकी पिक्चर्स होती हैं उनको जब भी हम मशीन लर्निंग की हेल्प से उनको एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम उनको एज एज अ मेट्रिक्स कंसिडर करते हैं ठीक है आपका जो मेट्रिक्स होता है आपने मैथ में मेट्रिक्स पढ़ा होगा ठीक है रोज और कॉलम्स होती हैं तो जैसे ही कोई इमेज होती है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो पिक्सल से बनी होती है आपकी जो भी इमेज होती है वो पिक्सल से बनी होती है और हम हर पिक्सल को एक पॉइंट असाइन कर देते हैं उस मेट्रिक्स के अंदर ठीक है तो सपोज ये आपकी कोई इमेज है ठीक है तो इसके अंदर जो हर पॉइंट होगा वो आपको हर वो जो पॉइंट है वो उस पिक्सल की इंटेंसिटी को बताता है कि ये पिक्सल कितना ग्लो करेगा ये पिक्सल कितना डार्क होगा ये पिक्सल कितना ग्लो करेगा कोई भी पिक्सल तो उस हिसाब से आपकी एक प्रॉपर फिर इमेज बन के आती है तो वहाँ पर भी आप एक तरीके से आप एक मेट्रिक्स यूज़ कर रहे हो और वो मेट्रिक जो है वो क्या है वो वो कुछ नहीं है वो सिर्फ एक टू डायमेंशनल एरे है ठीक है ऐसे अगर आप थ्री में आओ थ्री के अंदर जैसे आपका रिबिक्स क्यूब होता है ठीक है थ्री बाई थ्री का रिबिक्स क्यूब होता है वो आपका एक तरीके से थ्री डायमेंशनल एरे हो गया ठीक है थ्री डायमेंशनल एरे हो गया वो आपका उसके अंदर थ्री टू डायमेंशनल एरेज हैं तो वो आपका थ्री डायमेंशनल एरे हो गया इसी तरीके से आपके आपके फोर डायमेंशनल एरे भी आप बना सकते हो तो जैसी ऐसी आपकी प्रॉब्लम्स की रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से आप उतने ज्यादा डायमेंशनल के एरे आप बना सकते हो तो यहाँ आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्यों यूज़ करते हैं हम ठीक है उनकी जरूरत क्यों पड़ती है बेसिकली तो आप देख लेते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे होते कैसे हैं ठीक है तो ये आपका एक मल्टी डायमेंशनल एरे है इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो मल्टी डायमेंशनल एरे है ये आपका टू डी है ठीक है और ये टू डी जो है ये आपका तीन वन डी से बना है इसके अंदर वन डी एर कौन कौन से है? तो ये आपका एक वन डी एरिया था वन डायमेंशनल एरे ये आपका वन डायमेंशनल एरे था और एक ये वन डायमेंशनल एरे था ठीक है इसके अंदर आपके तीन वन डायमेंशनल एरे हैं ठीक है और इन तीनों को जब मैंने क्लब कर दिया इन तीनों को जब मैंने मिला दिया तो आपका एक टू डायमेंशनल एरे बन रहा है ठीक है और इसके अंदर कन्वेंशन होती है ये आपकी रोज होती है ठीक है ये सारी आप, आपकी रोज है बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल है वो आपकी रोज होती है और जो वर्टिकल है वो आपके कॉलम्स होते हैं और इसके अंदर भी जैसे इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है आपकी नॉर्मल एरेज के अंदर यहां भी जीरो से स्टार्ट होती है तो ये कॉलम जीरो कॉलम वन ये कॉलम टू तो जो आपके टू डी एरेज होते हैं वो भी आपके नॉर्मल एरेज की तरह ही उनका इनिशिलान होता है उनका डिक्लेरेशन भी नॉर्मल आपके नॉर्मल जो अभी तक हमने वन डायमेंशनल एरे कहते हैं उनके जैसे होता है सिमिलर होता है काफ़ी तो हम देख लेते हैं कोड के अंदर कि एक्चुअली ये होते कैसे हैं। तो इक्लिप्स में आता हूँ मैं और एरेस के अंदर एक डिफाइन कर देता हूँ मल्टी डायमेंशनल एर करके तो न्यू क्लास लेट्स कॉल टू डी एरे तो अगर आपको एक वन डायमेंशनल एरे बनाना है तो वन डायमेंशनल एरे के लिए तो आप कुछ नहीं करते इंट ए सपोज़ ए नाम का वन डायमेंशनल एरे बनाना है मुझे तो इंट ए फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू इंट और अगर इसका साइज़ मुझे कुछ भी रखना है वो यहाँ पर मैं डिफाइन कर सकता हूँ सपोज मैंने फाइव रख दिया तो एक एरे बन जाएगा और उसका साइज़ होगा फाइव ठीक है इसकी बात हम पहले कर चुके हैं ये आपका वन डायमेंशनल एरे है लेकिन हम चाहते हैं एक टू डायमेंशनल एरे बनाना ठीक है टू डायमेंशनल एरे बनाना तो उसके लिए हम क्या करेंगे कुछ नहीं जैसे यहां पर एक बार रखे हैं टू है एक बार स्क्वायर ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर यहां पर कर देंगे. तो ये लिखने से क्या हुआ इंट ए उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर न्यू इंट फिर एक के अंदर फाइव लिखा है एक के अंदर थ्री लिखा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपके पांच एरे बन चुके हैं ठीक है पांच अलग अलग एरे बन चुके हैं और उन सभी एरेज का अपना अपना साइज जो है वो थ्री है ठीक है तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पे पांच एरे बने हैं ठीक है ठीका? और उन सब का अपना अपना साइज जो है वो थ्री है जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे को बना मिला के आपके टू डायमेंशनल एरे बनते हैं उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पांच वन डायमेंशनल एरे को मिला के आपका टू डायमेंशनल एरे बन रहा है ठीक है और हर वन डायमेंशनल एरे की जो लेंथ है वो आपकी थ्री है ठीक है जैसे यहाँ पर आपके तीन वन डायमेंशनल एरे को बना के आपकी आपका एक टू डायमेंशनल एरे बन रहा है तो अगर इसको हम लिख रहे होते हैं इनिशलाइज कर रहे होते हैं तो इसको लिखने के लिए हम करते इंट एक्वल्स टू न्यू इंट और यहां लिखते हम थ्री थ्री तो इस तरीके से आपका ये डिक्लेयर हो जाता है ठीक है ये आपका एक टू डायमेंशनल एरेज है वो ए नाम का वो डिक्लेयर हो गया तो ये तो आपका होगा डिक्लेरेशन कि आपको एरे डिक्लेयर कैसे करना है अब आपको एरे में से वैल्यूज कैसे एक्सेस करनी है ठीक है एरेज में से वैल्यू एक्सेस करनी होती है आपको तो आपको याद होगा वन डायमेंशनल एरे के अंदर अगर आपको कोई भी एरे एक्सेस करना है सपोज आपका बी एक वन डायमेंशनल एरे है तो इसके अंदर कुछ नहीं करना अगर आपको आई एथ वैल्यू एक्सेस करनी है तो बी आई लिखते हो आप ठीक है आई की वैल्यू यहाँ पर जीरो से लेकर एन माइनस वन के अंदर कुछ भी हो सकती है ठीक है जीरो से लेकर एन माइनस वन के अंदर कुछ भी हो सकती है इसी तरीके से अगर आपको टू डायमेंशनल एरे के अंदर कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो आपको यहाँ पर सिर्फ आई नहीं बताना पड़ेगा साथ में इसको एक ये ये वाली वैल्यू भी बतानी पड़ेगी जिसको आप जे कर सकते हो ठीक है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी वाली वैल्यू चाहिए ठीक है ये आपके यहाँ पर देख लो नौ वैल्यूज है थ्री बाय थ्री मेट्रिक्स है तो इसके अंदर नौ वैल्यूज है आपको बताना पड़ेगा भाई कौन सी वैल्यू चाहिए आपको अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए सपोज ये वाली वैल्यू तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि यह कौन से रो के अंदर कौन से कॉलम वाली वैल्यू है ठीक है पिन पॉइंट बताना पड़ेगा इसमें आपको आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बस ए टू दे दो नहीं ए टू का मतलब इसे पता ही नहीं ए टू के अंदर तो आपके ये वाले एरे आ गए पूरे का पूरे ठीक है अगर आप इसको बोलोगे ए वन तो ए वन के अंदर तो ये पूरा का पूरा एरे आ गया ठीक है आप इसे बता नहीं रहे कि इस वाले एरे के अंदर कौन सी वाली पोजिशन चाहिए तो इस वाले एरे के अंदर आपको ये वाली लोकेशन चाहिए ठीक है तो ये जो पोजिशन होगी वो हो, हो गया आपकी फर्स्ट एरे के अंदर सेकेंड पोजिशन तो यही चीज एक बार स्लाइड में देख लेते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी एक तीन रोज हैं और चार कॉलम्स हैं ठीक है देख रहे हो रो वन रो टू रो थ्री और चार कॉलम्स हैं वन से लेकर फोर तक ठीक है इनकी इंडेक्सिंग यहां पर देख रहे हो जीरो से स्टार्ट है ये जीरो ये वन ये टू ठीक है ये जीरो थ्रो ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो ऐसे ही यहाँ पे ये यह जीरो कॉलम ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तो इस एरे के अंदर आप थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर मतलब ट्वेल्व वैल्यू स्टोर कर सकते हो ठीक है ट्वेल्ल वैल्यू स्टोर कर सकते हो ट्वेल्व डिस्टिट वैल्यू स्टोर कर सकते हो आप इस एरे के अंदर ये मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर और अगर आपको बताना है कि कोई सी भी वैल्यू आपको चाहिए कोई सी भी एक सेल की वैल्यू चाहिए ठीक है ये आपके मल्टीपल सेल्स हो गए ठीक है कोई भी एक सेल की वैल्यू चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन से रो के अंदर कौन से कॉलम वाली वैल्यू है ठीक है तो अगर आप सपोज ये वाली वैल्यू चाहते हो जिसके अंदर रो सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है ठीक है तो इसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई ए वन टू वन मतलब जो पहली वाली वैल्यू होगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो बताएगी कौन सी रो है और दूसरी वाली वैल्यू बताएगी कौन सा कॉलम की बात कर रहे हो आपको और हमेशा याद रखना वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है हमारे एरेज के अंदर हमेशा जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होगी तो वो यहाँ पे हो रहा है ए वन टू का मतलब है कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम इस तरीके अगर आप ये वैल्यू देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है थर्ड रो और फोर्थ कॉलम तो इसको इसको अगर हम एक्सेस कर करना तो हम लिखेंगे ए टू थ्री ठीक है ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टू उसके बाद फिर थ्री इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड वाली रो के अंदर थर्ड वाला कॉलम ठीक है इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है पे भी तो हमेशा याद रखना है कि इंडेक्सिंग होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी और अगर कोई भी हमें वैल्यू एक्सेस करना है कोई भी सेल एक्सेस करना है तो उस सेल का हमें एकदम पिन पॉइंट लोकेशन बतानी पड़ेगी हमें बताना पड़ेगा कि उसकी रो कौन सी है उसका कॉलम कौन सा है ठीक है तो इस तरीके से आप एक्सेस करते हो इसको हम कोड में देख लेते हैं एक बार तो अभी जैसे मैंने ये डिक्लेयर कर दिया आपका एक एरे तो हमें याद रखना होगा कि एरे जब भी हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो चली जाती है ठीक है तो अभी ये फाइव रोज़ और थ्री कॉलम्स का मतलब टोटल फिफ्टीन वैल्यूज़ ये सारी सारी जो फिफ्टीन वैल्यूज़ हैं ये इन सबके अंदर अभी ज़ीरो चला गया है ठीक है ये बाय डिफ़ॉल्ट जीरो से निशलाइज़ होती हैं तो अगर हम इनके अंदर वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे सपोज uh, मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि सेकंड रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है ठीक है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग मान के चल रहा हूँ तो मैं लिखूंगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ठीक है ये एक्चुअली में थर्ड रो और सेकंड कॉलम होगा लेकिन मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग मान के चल रहा हूँ पहले से ही तो यहाँ पर हम अगर इस तरीके से एक्सेस करना चाहें इस वैल्यू को तो कैसे क्या आंसर आएगा देखते हैं मैंने रन किया इसे ज़ीरो इसको नीचे कर देता हूँ तो ये ज़ीरो प्रिंट हो गया ठीक है तो हमने ये एक सेल एक्सेस कर लिया इस तरीके से हम किसी भी सेल को एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर भी सेम आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा सकता है ठीक है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा सकता है तो हमें याद रखना होगा हमेशा कि जो पहली वाली वैल्यू है वो हमेशा इस वाली वैल्यू से कम हो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने टू लिखा है दिस टू शुड बी लेस देन फाइव ठीक है और साथ में ये जो वन लिखा है मैंने यहाँ पे उस बाद में दिस वन शुड बी लेस देन थ्री मतलब रो से कम होना चाहिए और कॉलम से कम होना चाहिए हमेशा ठीक है उससे आगे लिखेंगे तो वो हमेशा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा ठीक है जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर कोई हमने एरे डिफाइन किया है फाइव लेंथ का ठीक है तो उसके अंदर अगर हम सिक्स वैल्यू मांग रहे हैं सेवन्थ वैल्यू मांग रहे हैं या फिर फिफ्थ वैल्यू भी मांग रहे हैं तो वो आपको एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मिल जाएगा उसी तरीके से सिमिलरली यहां पर भी वही है आप एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चले जाओगे अगर आपने जो डिफाइन किया हुआ है एरे उसके बाहर की वैल्यू को आप एक्सेस करोगे तो आप एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चले जाओगे ठीक है तो ये हो गया आपका एरे डिक्लेयर करने का अगर सपोज अब मैं चाहता हूं कि एरे मुझे इनिशलाइज भी करना है ठीक है मेरा जो टू डायमेंशनल एरे है मैं चाहता हूँ इनिशलाइज भी करना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीका है तो उसका हम तरीका देख लेते हैं एकदम सिमिलर ही होता है वो भी ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है तो सपोज मैंने ये एरे कमेंट कर दिया तो इंट बी ले लेते हैं ठीक है तो पहले जो आपका वन डायमेंशनल एरिया होता था तो आप क्या करते थे जैसे अगर ये बी आपका वन डायमेंशनल एरिया है तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो कि थ्री वन फाइव सेवन ठीक है ना टू तो ये आपका एक वन डायमेंशनल एरिया आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया लेकिन अगर आपको टू डायमेंशनल एरियज इनिशियलाइज करने हैं तो आपको मैंने बताया था कि काफ़ी सारे बंच ऑफ वन डायमेंशनल एरियज को अगर आप मिला दोगे तो आपका टू डायमेंशनल एरिया बनता है ठीक है उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे तो इसको टू डायमेंशनल एरे बनाते हैं ठीक है थीक्या? तो अभी आपका ये वन डायमेंशनल एरे है इसको अगर हमें टू डायमेंशनल एरे बनाना है तो बंच ऑफ वन डायमेंशनल एरे इसको क्लब करना पड़ेगा तो एक यहाँ आएगा ब्रैकेट एक यहाँ आएगा उसके बाद आप चाहो तो मैं यहाँ पे इसको नीटली लिख देता हूँ इसके लिए यहाँ पे ये तो अग, अब अब यहाँ पे एक दूसरा एरे डिफाइन कर देते हैं फोर वन सेवन फिर एक और एरे डिफाइन कर सकते हैं इसी तरीके से हम इसके अंदर वन टू थ्री फाइव सिक्स एट ठीक है तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर मैंने तीन एरेज लिए ठीक है तीन एरेज लिए और किसी की लेंथ कुछ है किसी की लेंथ कुछ है यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है सबकी ज़रूरत नहीं है कि सबकी सभी एरे की जो है लेंथ सेम हो ठीक है और सभी एरे की लेंथ अपनी अपनी अलग हो सकती है और यहाँ पे मैंने क्या किया काफ़ी सारे वन डायमेंशनल एरेज को एक साथ लिख दिया और उनको मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया देखो लो यहाँ पर ये वाला कॉमा इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉमा ठीक है ये वाला कॉमा जो बाकी सारी एरेज को सेपरेट कर रहा है ठीक है तो ये आपका एक टू डायमेंशनल एरे हो गया जो हमने इनिशलाइज कर दिया है सिमिलर टू वन डायमेंशनल एरे का इनिशलाइजेशन जैसा था ये भी ठीक है इसके अंदर आपने काफी सारे वन डायमेंशनल एरे को क्लब कर दिया तो अब अगर इनको एक्सेस करना है आपको तो आपको कुछ नहीं करना सिस आउट सपोज आपको लिखना है बी तो जीरो थ्रो के अंदर सेकंड कॉलम तो ठीक है तो जीरो थ्रो ये हो गई आपकी जीरो थ्रो मतलब जीरो पोजिशन पर जो आ रही है उसके अंदर सेकेंड पोजिशन तो जीरो वन टू मतलब ये वाली पोजिशन ठीक है तो ये पोजिशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो फाइव प्रिंट हो रहा है फर्स्ट uh, के अंदर टू प्रिंट करते हैं तो वो आपका ये प्रिंट हो रहा है ठीक है मतलब फर्स्ट रो मतलब ये वाली रो उसके अंदर ये वाला कॉलम अब यहाँ पे ये यह अगर मैं फर्स्ट के अंदर थर्ड प्रिंट करूँगा तो थर्ड तो यहाँ पे है ही नहीं से रन करेंगे तो यहां पर देख रहे हो इंडेक्स आउट ऑफ तो ये वही बोल रहा है कि ये जो एरे आप एक्सेस कर रहे हो इस एरे की लेंथ तो थ्री है और लेंथ थ्री है लेकिन आप थर्ड पोजिशन मांग रहे हो तो वो तो आपकी डिफाइंड ही नहीं है तो वो आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया ठीक है तो इस तरीके से आपके जो एरेज होता है टू डायमेंशनल एरे वो आपके इनिशियलाइज होते हैं तो यही होता है आपका यार वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंट होता नहीं है बेसिकली आपके टू डायमेंशनल एरेज जो होते हैं वो आपके मेट्रिक्स के साथ खेलने काम में आता है ठीक है तो काफी सारे जो ऑपरेशन होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर वो आपके एरेज में होते हैं काफी सारे जो ऑपरेशन होते हैं वो आपके मेट्रिक्स के अंदर भी होते हैं ठीक है थीका? मेट्रिक्स के अंदर आपकी इमेज प्री प्रोसेसिंग होती है ठीक है जितनी भी इमेज प्री प्रोसेसिंग है वो आपकी सारी सारी मेट्रिक की फॉर्म में हो रही होती है तो उन सबको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर टू डायमेंशनल एरे यूज करने होते हैं ठीक है तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं टू डायमेंशनल एरे को फाइनली तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपने मैट्रिक्स तो किए ही होंगे ठीक है मैट्रिक्स आपके होते हैं रोज़ और कॉलम्स होती है तो मैट्रिक्स के अंदर सपोज आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और उनको उनका जो एडिशन है उनका जो फाइनल एडिशन है उसके रिज़ल्ट को आपको एक थर्ड मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करना है ठीक है तो वो आप कैसे करोगे तो वो एक क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं तो देखते हैं वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे तो मैं एरिज में गया यहाँ पे एक न्यू क्लास बना देता हूँ लेट्स कॉल इट मैट्रिक्स एडिशन ठीक है इसके अंदर मेन फंक्शन चाहिए हमें तो सबसे पहले तो हम जो मैट्रिक्स है वो यूजर से मांग लेते हैं ठीक है तो यूजर ही बता देगा कि ये मैट्रिक्स है हमारा तो आ, उस उस जो मैट्रिक्स है जो दो मैट्रिक्स होने वाले हैं ए और बी करके मैट्रिक्स ले लेंगे हम तो उनकी जो डायमेंशन है वो भी हम यूजर से मांग लेते हैं ठीक है तो कितनी रोज होनी चाहिए कितनी कॉलम होनी चाहिए वो भी यूजर से मांग लेते हैं तो उसके लिए पहले स्कैनर डिफाइन करना पड़ेगा एक तो स्कैनर एस सी इक्व टू न्यू स्कैनर्स सिस्टम डॉट इन इसको इंपोर्ट करा लेते हैं तो रोज जो है वो यूजर से मांग लेते हैं तो एस सी डॉट नेक्स्ट एंट और कॉल्स कॉल्स मतलब कॉलम्स तो कॉलम्स भी मांगा लेते हैं यूजर से एस सी डॉट नेक्स्ट एंट ठीक है तो आपकी रोज और कॉलम्स रिफाइन होगी तो इतनी रोज और कॉलम्स के आपके दो आप एरेज बना लोगे तो पहला एरे होगा ए जो कि होगा न्यू इंट आ, रोज और कॉल्स और जो बी एरे होगा उसके भी सेम होंगे तो ए और बी जो एरेज हैं उनको अगर आपको ऐड करना है तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए ठीक है ये आपको पता होगा कि अगर डायमेंशन अलग अलग होंगी तो हम इनको एडिशन या सब्सट्रैक्शन uh, नहीं कर सकते दो एरेज का दो मेट्रिक का ठीक है तो यहाँ पे वो रोज और कॉलम सेम है तो आपने रोज़ और कॉलम सुना लिया ठीक है तो अब क्या करेंगे हम अब इनकी इनपुट करा लेते हैं कि रो आपका पहला मेट्रिक्स क्या और दूसरा मेट्रिक्स क्या होने वाला है ठीक है तो पहला मेट्रिक्स प्रिंट करा लेते हैं यूजर से इनपुट ले लेते हैं तो एक लूप फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन रोज आई प्लस प्लस फि फॉर जे इक्वल्स टू ज़ीरो जे लेस देन कॉल्स जे प्लस प्लस ए आई जेल्स टू एस सी डॉट एक्सटेंट ठीक है तो यहाँ पर आपने ए वाला जो मैट्रिक्स था वो आपने इनपुट करा लिया ठीक है सिमिलरली यही कोड कॉपी कर देता हूँ मैं और बी वाला array B बी बी वाला जो मैट्रिक्स है वो भी प्रिंट करा लेते हैं ठीक है थीका? तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं बी आई जे तो आपने यहाँ पे ए और बी जो दो मैट्रिक्स थे वो आपने यहाँ पे से इनपुट करा लिया ठीक है थीका? तो यहाँ पे हमने दो जो मैट्रिक्स थे वो हमने इनपुट करा लिया हमें क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है और इनका जो रिजल्ट है उसको एक अलग मैट्रिक्स में स्टोर करना है, है? तो एक अलग कॉल सी नाम का मैट्रिक्स बना लेते हैं और उसकी भी डायमेंशन सेम होगी तो रोज कॉल्स अब क्या करना है अब वन बाय वन जाना है और सभी सेल्स पे जाना है और सभी सेल्स पे जाके एक ही करके सारे सेल्स को कॉरिस्पोंडिंगली एड करना है और उनको सी में स्टोर करना है तो उसके लिए भी आपका सेम लूप चलेगा मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो यही आपका लूप है और करना क्या है कि सी आई जे की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी ए आई जे प्लस बी आई जे ठीक है तो काफी सिंपल था यार ये काफी सिंपल था काफी मुश्किल था नहीं है तो आ, कुछ नहीं करना कि ए वाली सेल की वैल्यू और बी वाली सेल की वैल्यू को ऐड करना है और उसे सी में डाल देना है ठीक है सिंपल सा कोड था काफ़ी तो आपका यहाँ पे ये एडिशन हो चुका है अब ये एडिशन हो चुका है इसको प्रिंट करना है हमें तो हम प्रिंट भी कर लेंगे इसे ठीक है प्रिंट कर लेते हैं भाई तो सी आई जे तो यहाँ पे आपका ये सी प्रिंट हो जाएगा इसको रन करते हैं और रन करने से पहले क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मैं कुछ कि पता चलना चाहिए ना कहाँ पे कोड आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है तो कुछ प्रिंट वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर सो सिस आउट आ, एंटर डायमेंशंस वरना कई और पता नहीं चलता कि आपका कोड किस जगह पर है किस जगह पर इनपुट मांग रहा है ठीक है तो कुछ इनपुट वैल्यू डाल देनी चाहिए यहाँ पे मांग रहे हैं एंटर एरे एंटर एरे बी और फिर यहाँ पे रिजल्ट एरे सी इज ये ठीक है आई थिंक अब चलेगा सही है इसको रन करते हैं तो स्वीट सा सिंपल सा कोड आपका बन चुका है यहाँ पे एक तो सबसे पहले ये मांग रहा है डायमेंशन तो डायमेंशन देते हैं लेट्स कॉल टू रोज और थ्री कॉलम्स ठीक है तो आपको एक दो रोज होंगी एक रो दो रो और उसके अंदर हर रो के अंदर आपके तीन कॉलम्स होंगे ठीक है तो सबसे पहले एंटर एरे ए तो फर्स्ट एरे डालते हैं तो फर्स्ट एरे लेट्स कॉल थ्री टू माइनस वन फोर सेवन टू तो ये आपका फर्स्ट एरे हो गया इनपुट अब दूसरा एरे मांग रहा है ये दूसरा एरे लेट्स कॉल नाइन माइनस वन माइनस थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो, तो, uh, तो, तो आपका जो यहाँ पर रिजल्ट है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है और थोड़ा अलग तरीके से प्रिंट हुआ है बिकॉज यहाँ पर प्रिंट आया लिखा था मैंने ये हमेशा भूल जाता हूँ ठीक है यहाँ पे प्रिंट आएगा प्रिंट वाला नहीं आएगा ये देख रहे हो आपका अलग अलग लाइन में जा रहा है बट कोई बात नहीं आपका यहाँ पे जो एरे का रिजल्ट था वो आपका सिंपली आ चुका है सी के अंदर और अगर आप इन दोनों एरेज़ को ऐड करोगे इन दोनों मेट्रिक को सेल बाय सेल तो देख रहे हो थ्री प्लस नाइन इज़ ट्वेल्व फिर ये टू माइनस वन इज़ वन फिर ये वाला माइनस वन माइनस थ्री इज माइनस फोर ठीक है तो इस तरीके से जो आपका एरे का जो सॉरी जो मेट्रिक्स का जो आपका एडिशन का रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका आ चुका है इसी तरीके से आप चाहो तो आप मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर सकते हो ठीक है मल्टीप्लिकेशन वाला रूल आपको पता ही होगा सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन से पहले कि जो पहले वाले एरे की जो रोज़ है सॉरी पहले वाले एरे का कॉलम्स दूसरे वाले एरे की रोज के बराबर होने चाहिए ठीक है, है? ये आपको रूल पता है आपको देखना होगा पहले वाले एरे की जो कॉलम्स है वो दूसरे वाले एरे के रोज के इक्वल होने चाहिए उसके बाद आपका जो फॉमूला होता है वो होता है आ, एरे की रोज मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले एरे का कॉलम ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन होगा आपका असाइनमेंट हो गया फिलहाल के लिए कि आपको एरे मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करना है आई एम सॉरी मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करना है ठीक है अगर आपसे होता है तो ठीक है वरना अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है और भी एरेस के अंदर जो कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो तब तक के लिए चलते हैं यार सी हैव अ गुड डे बाय